दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं जीबी ब्लॉग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, यह है असम राइफल हौलदार क्लर्क के लिए। यह ओनली फॉर सिर्फ असम राइफल हौलदार क्लर्क के लिए ही है। और बहुत से लड़के को कमेंट आता है कि सर आप वाशरमैन के लिए बताएं, ये बताएं, कुक के लिए बताएं, और जो भी मतलब उसमें निकला हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए कि बहुत सारा पोस्ट है, तो सबके लिए भी मैं बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जिस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे प्राप्त है असम राइफल हौलदार क्लर्क के लिए, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हुआ क्या है कि बहुत से लड़के कमेंट आता है ना, मैंने इस पर कितने बार वीडियो बना भी चुका हूँ कि इसमें हाइट ये मांगता है, पोस्ट ये सब मांगता है, मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या मांगता है, फिलअप कैसे करना चाहिए, फिलअप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो सब सारी चीज़ें हम आपको बताऊंगा। आप वीडियो में हमारे बने रहें। और जो भी हमारे व्यक्ति अभी मतलब कैंडिडेट्स दोस्त हैं, अगर हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और सबसे पहले वो मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्म फिलअप कब से होगा और ये कब से तक चलेगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले और एक मैं और जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ। बहुत से लड़के के जब तुम क्या टाइपिंग निकाल लिए तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अनुभव बता रहा हूँ, अपना जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, दिखाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। तो मैं एक तरह से टीचर नहीं हूँ। सोचता हूँ कि अगर मेरे प्रति अगर हमारे से अगर दोस्तों को कल्याण हो जाए, अगर हम उनको कुछ जानकारी दे दें, तो इसमें टीचर और सर की कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये असम राइफल है। असम राइफल दोस्तों, तो ये असम राइफल जो है ये हौलदार क्लर्क के लिए है। ये हौलदार क्लर्क स्पेशल बहाली है दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं। और बारीकी से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हौलदार क्लर्क हो गया। तो सबसे पहले इसका होता है क्या कि जो सबसे मेन पहले होता है वो होता है 5 किलोमीटर दौड़ होता है। क्या होता है? 5 किलोमीटर दौड़ होता है, वो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ होता है। ये हो गया दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद होता है आपका दौड़ हो गया तो आपका होता है क्या बोलते हैं आपका होता है हाइट, HIGHT हाइट होता है। वो हाइट मांगता है 160.5 मेल कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 157, कितना दोस्तों 157 ये मांगता है हाइट इसमें हौलदार क्लर्क के लिए असम राइफल। और मांगता है चेस्ट तो 77 से 82, कितना 77 × 82 महिला के लिए, नॉट फीमेल के लिए हाइट नहीं, बस वेट नापा जाता है। और वेट रहना चाहिए 50 kg से ऊपर, वेट 50 kg से ऊपर रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2-3 किलो कम भी हो जाएगा तो कम बेसी चल जाता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने बताया और बारीकी से आप समझ सकते हैं। तो फिर ये मैंने अब ये बता रहा हूँ कि ये तो हाइट चेस्ट वेट हो गया, और रहा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए, 12th का डिग्री होना चाहिए, और प्लस में आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसपे आपका स्पीड होना चाहिए 30 हिंदी और 35 इंग्लिश, इंग्लिश होना चाहिए। ये बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। तो ये आगा सबसे पहले आपको ये मांगेगा, ये दो चीज़, 12th का और टाइपिंग का सर्टिफिकेट, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बता रहा हूँ कि इसमें जो है कि आप समझ रहे हैं कि मेरे पास BCA का सर्टिफिकेट है, मेरे पास DCA का सर्टिफिकेट है, मेरे पास DCA का, तो वो नहीं लगेगा, वो सिर्फ टाइपिंग सर्टिफिकेट लगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये मैंने जो बताया वो आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। तो फिर अब हो गया कि आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा किस स्टेट से, ऐसा सारा फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर जाइएगा। और ये जो हौलदार क्लर्क के लिए होता है असम राइफल, ये होता है दीफू में। कहाँ पर? दीफू में होता है। तो दीफू मैंने बता दिया दोस्तों, ये दीफू में इसका फिजिकल होता है और रिटेन भी होता है, और यहीं पर टाइपिंग होता है। तो फिजिकल होने के बाद तुरंत अगर उन लोगों का अगर मन करे, उन लोगों का अगर दिमाग बोले कि नहीं हमको आज ही टाइपिंग करवाना पड़ेगा, तो वो लोग आज ही टाइपिंग लेंगे, नहीं तो 1-2 दिन के बाद लेंगे, उन लोगों के ऊपर है, निर्भर है।
ये भी डाउट क्लियर होगा। तो इसलिए हम आपको बता दे रहा हूं कि जो फॉर्म फिलअप होने वाला है वो 6 जून से होगा, जून से, और चलेगा 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा और मतलब लास्टली डेट 20 जुलाई तक। और इसका एग्जाम डेट जो है वो है 1 सितंबर। कितना दोस्तों? 1 सितंबर इसका एग्जाम डेट है। बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत सारा जानकारी मिलेगी। तो ये मैंने बता दिया कि आपको कब से कब तक फार्म भरना है और कब से कैसे करना है, तो ये मैंने बताया। अब रहा सवाल दोस्तों कि ये फॉर्म फिलअप तो मैंने बता दिया कि डिफू में भी बता दिया, और रहा कि टाइपिंग कैसे करना है, किस तरह से करना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या था। सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, जो फिजिकल के दिन डॉक्यूमेंट चेक होता है, तो फिजिकल आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद होता है मार्कशीट, वो आपका मार्कशीट चाहिए, फिर इंटर का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ट्वेल्थ किए हैं तो ट्वेल्थ का भी दे दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि आपके पास रेसिडेंटल यानी कि आवासीय आपके पास रहना चाहिए, आवासीय सर्टिफिकेट रहना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो एसपी होता है पुलिस अधीक्षक का, ये आपके पास रेसिडेंटल रहना चाहिए, और क्या बोलते हैं आचरण प्रमाण पत्र। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मतलब आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं आपके पास निकाला नहीं जाएगा, समय भी दिया जाता है, लेकिन रेसिडेंटल बिल्कुल वो अल्टरनेटिव है, मतलब वो बिल्कुल जरूरी है रेसिडेंटल। और उसके बाद ये हो गया बहुत सारा। अब रहा कि आपके पास कोविड का जांच होना चाहिए, जो आपके ऊपर कॉल लेटर पाएगा कि 72 घंटा पहले मुझे कोविड का जांच का कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। तो ये सबसे पहले गेट पे ही चेकिंग होता है, ये जो गेट पे ही चेकिंग होता है, अगर गेट पे चेकिंग करके आप जाइएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ये रहेगा, आपका आचरण प्रमाण रहेगा, आपके कोई आइडेंटिफिकेशन रहेगा, मतलब आपके पास कोई आईडी कार्ड रहेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये सब आपको महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें से कोई एक रखना है। और रहा सवाल कि पहले की अपेक्षा इस बार जो वैकेंसी निकला है वो ज़्यादा है, 1380, पिछले बार 1200 ऐसे 80 की माने कुछ ऐसे ही था। तो इसमें पहले था कि 349 जो है हौलदार क्लर्क के लिए था, हौलदार क्लर्क के लिए था, और इस बार हो गया है 257, यानी बहुत कम है, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अच्छा से तैयारी की जाए। मेरा तो मेरे गलती के कारण नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया। अब रहा कि लोग बोलते हैं कि सर वहाँ पर ग्राउंड कैसा है, कैसा दौड़ना चाहिए, कैसे नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप अभी से ही लग जाओ। अगर आप असम राइफल के दौड़ निकालना चाहते हैं 5 किलोमीटर और 1.5-2 महीना है, तो उसमें ग्राउंड क्या है, आप लोग इसमें गोल चक्कर नहीं मारना है, कि आप गोल चक्कर आपको नहीं मारना है, ये वहाँ पर बिल्कुल गोल चक्कर नहीं मारना है। और वहाँ पर आपको 400 लड़के या 350-400 या कभी 500 कभी 600 भी लड़का को छोड़ देते हैं सब। तो आपको ग्राउंड जो है ये आपको ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे करके आपको जगह पे फिनिशिंग पॉइंट ये आपका यहाँ पर कर देगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ऐसे ले जाएगा और ऐसे करके, तो आपका दौड़ रनिंग जो है मजबूत होना चाहिए। अगर आप रनिंग मजबूत नहीं होता है तो आप फिजिकल में अनफिट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया। अब रहा सवाल कि बहुत से लड़के सबको कमेंट आता है कि सर आपका टाइपिंग आप कितने दिन से टाइपिंग करते थे, तो मैं आप लोगों को दोस्तों, हमारे जितने भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मैं टाइपिंग करता हूँ, ये टाइपिंग मैं 2015 के अक्टूबर महीने से करता था, बीच बीच में छोड़ भी देता था, तो कभी मेरा 20-25-15 ऐसे करते करते लगता। तो मैंने सबसे लास्टली स्पीड मैंने मारा है 65.5, मैंने अपने क्लास में और कहीं दूसरे जगह नहीं, अपने क्लास में 65.5 का स्पीड मारा हूँ। तो अब रहा के टाइपिंग मैं हर चीज़ पे करता हूँ, वर्ड पैड पे भी करता हूँ और मैटर भी मिलता है, उसके बाद क्या बोला जाता है, मैटर भी मिलता है, वर्ड पैड भी मिलता है, सोना भी है, टाइपिंग मास्टर भी है, टाइपिंग मास्टर प्रो भी है, और फिर मैटर जो लिखा रहता है उस पर लिख कर आप देख कर हो जाता है।
ये बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बिल्कुल बताया दोस्तों। तो अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसे बताया। और तो हमारे अभी जो नए अभी हमारे जो देखने वाले हैं वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।